को सलाम फिजा है। मेरा नाम तारों से होंगे हम कलाम शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। आप लोगों को पता है मेरे पहले मेहमान हाँ। रुकने पंजाब असेंबली हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं और आज फिर आए हैं महेंद्र पाल सिंह साहब। कपड़े जो आपने पहने थे मुझे वो लग रहा है कि हमारे मोहल्ले से एक तरपाल गुम हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कि शायद ए तरपाल वाले कपड़े नहीं है, ए एयरपोर्ट ते बर्ड शूटरां ने पाए होंदे ने। और एहो जे कपड़ियां दा सरदार जी बहुत फायदा। क्या? सारी जिंदगी बंदे नूं कुत्ता नहीं पैंदा। आज मेरा साथ देंगे भैया, इन्हों का साथ ना ले। क्यों? इन्होंने 11 बजे तक साथ देना, ते 12 बजे तक कोई पता नहीं अपने खिलाफ हो जाना। कोई नहीं, 12 तक प्रोग्राम ही मुक जाना है। क्या बात है? आइए जी। आपको पता है मेरी दूसरी मेहमान कौन है? एक टैलेंटेड क्यूट सी मॉडल, बुला लूं? और जल्दी बड़ा जर्मनी के फौजी ने कपड़े पाके आ गए। तशरीफ लाती है मुस्कान इकबाल। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो मुस्कान है जो मेरे होंठों पे हमेशा रहती है। हाँ, ये हो जी टिंड, हो जी गल। भाई मुस्कान के सामने मुझे डिस्क्रेड ना करो, आओ वो मेरे लिए आई। बाबा जी के लिए आई है? मैं तो शो के लिए आई हूँ। तो शो के लिए बाबा ही है ना यहाँ पे, आपको और कौन दिख रहा है? नहीं अस्तगफुरल्लाह, ऐसी बात भी नहीं है। बाबा तुम्हें देख के सबको अस्तगफुरल्लाह क्यों पढ़ते हैं? ए बाबा दुनिया इतने लोगों नू आखरत याद करा रहे हैं। तो मैं भी शुरू में मतलब बोल दिया करूं जल तू जलाल तू आई बाबा को टाल तू। तेनू में मेरे वांगू आखर आई रहती है। आप तो आखर ना आई। आइए जी उस्ताद बैठिए। हमारे आज के जो तीसरे मेहमान है ना वो एक सराइकी सिंगर है और आपको पता है पहले गाने ने ही उनकी इतनी धूम मचा दी कि हर सिंगर ने वो गाना गाया। तशरीफ लाते हैं वाजिद अली बगदादी। सोने दी चूड़ी हाथ में सजना पाई हुई है, आज फिजा मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं कराऊंगा, आज मेरे लिए मुस्कान आई हुई है। सोने दी चूड़ी हाथ में सजना पाई हुई है, बाबा आज अपनी भतीजी भी बुलाई हुई है। सोने दी चूड़ी हाथ में सजना पाई हुई है, बाबा या तू एक बारी मर ते सही, सब ने मट्टी हत्ता च उठाई होई। महेंद्र पाल साहब, ये 2020 के हवाले से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है खालिस्तान के बारे में, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए ना कि हमारे सिख भाई क्या करने जा रहे हैं 2020 में। जी बिल्कुल, खालिस्तान तहरीक की, क्योंकि ये पूरी दुनिया के रहने वाले सिखों की एक रिक्वायरमेंट है और वो मांगते हैं कि हमें आज़ाद मुल्क चाहिए, तो उसका रेफरेंडम 2020 में होना था जो कोरोना की वजह से डिले हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर हमारे दुनिया भर के सिख जो हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की जो जालम सरकार है, जो जालम मोदी है और शिवसेना और राह से, उनसे हमें आज़ादी चाहिए, और उनसे आज़ादी लेने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपना मुल्क खालिस्तान बनाएं। हाँ जी, खालिस्तान बनाओ तो मोदी को पक्की जान छुड़ाओ। जी बिल्कुल, ऐसी पक्की जान छुड़ावांगे। देखो ना सरदार जी, करतारपुर साढ़े को, ननकाना साहब साढ़े को, पंजा साहब साढ़े को, साढ़े सिख भरावों चाहिए तो भी साढ़े को आ जाए। सिख भरावां दे दिल पहले ही पाकिस्तान कोल ने, जदों असीं मिल के करतारपुर राहदारी खोलीए और दुनिया भर तो सिख इत्थे आए ने, तो पाकिस्तानियों का प्यार वेख के इत्थों रोंदे गए ने और उन्होंने महसूस होया कि पाकिस्तान वर्गा मुल्क दुनिया ते कोई होर नहीं हो सकता। किन्ना मजा आएगा फिजा, तू चंडीगढ़ दी फिल्मा च एज ए हिरवन काम कर और नीरू बाजवा इत्थे बैठ के होस्टिंग करेगी। ए तेरी तरक्की नहीं कराउन दियो, ए अपनी फूफी दी बेटी तेरी था दे बाउंड दिया। अच्छा जी, आप बताएं मुस्कान, आजकल मॉडलिंग तो हो नहीं रही कोरोना की वजह से, तो आप क्या कर रही हैं? मसरूफियात जो है वो टिकटॉक पे चल रही है, बिजी हैं, वीडियोस बना रही हैं जरा या नहीं?
ये अंदर ही अंदर शूट्स चल रहे हैं, ऐसे ओपनली नहीं लेकिन बहुत कम। मैंने भी कुछ शूट्स किए हैं, पहले ये था कि काम में इतने बिजी होते थे, फैमिली को टाइम नहीं देते थे। अब ये कि हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं प्रॉपर, और टिकटॉक वगैरह पे भी सही से वीडियोस बन रही हैं। जो लोग ऐसे शोज़ पे या टीवी ड्रामास पे नहीं जा सकते, वो घर में बैठे अपने वो टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आगे जाने की। अरे क्या बात, मुस्कान थैंक यू, तुमने मेरी बातों पे अमल किया और आज कहाँ पहुँच गई हो। नवाजी शंकर जी, अगर आपको मनिंदर पाल सिंह साहब के साथ टिकटॉक बनाने का मौका मिले तो आप बना लेंगी? हाँ, अगर रेटिंग अच्छी मिली तो बना लूंगी। अरे रेटिंग ही रेटिंग है, बोल ना देना और होर को जावे ना आवे, रेटिंग बड़ी आउंदी है पीटीआई देना। आप ये बात करें पीटीआई की, वो पहले लोग पूछे थे आज से कुछ 6 मंथ कुछ 8 मंथ पीछे, अब जाके आप पीटीआई का नाम लो वो लोग आपको उठा उठा के पटकेंगे कि आप नाम किस चीज़ का ले रहे हो, उसका जिसने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, जिसने हमें कुड़िया कुड़िया साल है उन्होंने हाथ तले बैठी हैं। असल पता लग गया कि ये बाबा जी की पोती है, उन्होंने ही प्यार दे विच टेंड कराई हुई है। देखो पाल साहब, तुहाडे दौर च एक मासूम बच्ची पी टी आई के खिलाफ गल कर रही है, इनू जरूरत किस तरह हुई? इहदे ते कोई 15-20 केस पाओ ताकि ठीक होए। वैसे ये इतने जालिम तो नहीं लग रहे कि मेरे पे इतने केस डालेंगे, अगर सच बोलने पे केस डाले जा सकते हैं तो मैं हाजिर हूँ। ये पक्की कोई शहबाज शरीफ साहब की ना फैन है, ये नहीं डर रही है? हाँ, क्योंकि हम नून लीग के सपोर्टर हैं, पी टी आई के नहीं। इन्हों असल सदमा इलेक्शन च हारण दा है, और ये खुद नहीं बोल रही, ये बिरयानी बोल रही है जो ये खाधी हुई है। बिल्कुल सरदार जी, आज जिथे मोल्डिंग करे ना उत्थे जाके चिकड़ कर आना, आप ही तिलकदी फिरेंगी। जी नहीं, हमारा जो है ना नवाज शरीफ वो सड़कें बना गया, वहाँ पे चिक्कड़ भी कर लें तो इनका चिक्कड़ वहाँ पे असर करने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने रोड बहुत क्लीन बनाए हैं। वो बाहर बैठा है मास्क पा के, तो यदा भरा इतने मॉडल टाउन बैठा है ना, वो आ रहा जी ना ए निकल रहे हैं। कोरोना का डर है ना, कोरोना का आपको पता है वबा ऐसी आई है, वो भी डरते हैं ये भी, जैसे कि हम लोग भी डरते हैं, हम लोग भी नॉर्मली घर से नहीं निकले। तो वो शबाश ही कोरोना बोतल च बंद करना आया सी, तो हुन आप बंद हो गया। एडा घबराया कि हुन नैब दी पेशी ते भी नहीं जांदा। कोरोना चल रहा है, कोरोना खत्म हो लेने फिर देखेगा। चलो इंशाल्लाह दोबारा से नून लीग की अब हुकूमत आएगी। ए मुस्कान ते केस पाओ के टिडियां बना बना के बाहर छड़न दई। बगदादी साहब, हमारे पास भी एक शख्स है जो बगदाद से ताल्लुक रखते हैं, नाम तो सुना होगा आपने, अली बाबा 41 चोर। ताली नहीं फीजा 40 सन। अरे एक तो आपके साथ ही बैठा हुआ 41 ही थे। आपके ताल्लुक कहाँ से एग्जैक्टली बता दें, कहाँ पढ़े हैं, कहाँ आपने सीखा? हाँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट खाने वाला है। अच्छा, तहसील मियां चुनवे, हमारा सिटी अब्दुल हकीम है। अच्छा, जो हम रहते हैं, जो हमारा जो मौज़ा है, हमारा मौज़ा बगदाद शरीफ है, जिसकी नस्बत हमने ये नाम रखवाया है बगदादी। और तालीम कहाँ तक हासिल की है? तालीम हमने अब्दुल हकीम से हासिल की थी। अरे वाह, अरे वाह, फिर ये शौक बचपन से था, तो घर वालों ने सपोर्ट किया? घर वालों ने फुल सपोर्ट किया था, ये वालिदैन की दुआएं हैं जो आज मैं स्टेज पे बैठा। तो आपकी फैमिली में कोई था सिंगर पहले? और कोई नहीं था, हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो ये जो सरंगी वगैरह होती है ना, सरंगी वगैरह क्लासिकल के, वो खान साहब थे। अच्छा, अरे वाह क्या बात। चाचे दे खानदान दा भी बड़ा तारीखी नाम है, जुमरात वाले दिन लोगों के दरवाजे से जाके कह रहे होंदे है, ओ यार मेरी मदद करो, ताडे दरवाजे ते चंगेज खान दा वड्डा मुंडा आया है। किसे नु जाके कहंदा मैं ततारियों दा ती पुत्तर हां, मेरी मदद करो। किते जाके कहंदा जी मैं मुगल बादशाह अकबर दा मामा सोहरा, मेरी मदद करो। ऐसे मांगने के लिए ना बड़े बड़े लोगों का नाम लेना शुरू कर देता है, किसी को जाके कहते मैं हिटलर का बहनोई हूँ, मेरी मदद करो। किसे नु जाके कहंदा फिरौन मेरा साला, मेरी मदद करो। ये नहीं कहता कि फिरौन मेरा पुत्र है। नहीं नहीं, शुक्र है ये नहीं कहते कि अब इमरान खान के नाम पे दे दो, क्योंकि सबसे ज्यादा फंड उसी के नाम पे इकट्ठा हो रहा है। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। महेंद्र साहब, पीटीआई की इस कारकर्दगी को आप अपने सपोर्टर्स के सामने कैसे डिफेंड करते हैं? देखिए, कारकर्दगी माशाल्लाह पीटीआई की बहुत बेहतर थी, और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में वबा आई है, तो हमने लोगों को सेव करने के लिए थोड़ा सा बैक स्टेप लिया है। इंशाल्लाह कोरोना की वबा से निकल के इंशाल्लाह पीटीआई फिर से आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं, जो पहले हुकूमतें छोड़ गई, इंशाल्लाह हम उनको हल करेंगे। बस उन्हीं को हल करेंगे, इंशाल्लाह उनको भी हल करेंगे और आगे भी तरक्की पे लेके चलेंगे। कोरोना तो पहले से मुल्क जान दिया सी, हवामा डॉलर 5 रुपये का हो गया, 10 रुपये किलो मिलने है ना। बाबा जी, ताड़ी शक्ल तो लग रहा तुसी बाबा ए कोरोना हो। बाबा बेवकूफा,
तेनू पता नहीं पी टी आई ने की काम किए आ पेट्रोल शाशे च मिलन लग पाया। फील नहीं होता कि आपकी पार्टी का जो कदम है वो इतना भारी है कि जब से रखा है इस पार्टी में, इकतदार में आया है इस मुल्क में, तो देख लें क्या से क्या हो रहा है। मुश्किल हालात आते हैं, जैसे उस वक्त सब्ज़ी महंगी थी, आज सब्ज़ी सस्ती है। इसी तरह से मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये वबा की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात दुनिया में आई हैं और पूरी दुनिया मुश्किलात में गिरी हुई है। इंशाल्लाह इसको निकलते मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। जदों तो ये बुरे हालात आए ने जा नहीं रहे। माइया बुढ़िया कह दिया नहीं पैना हालात रहे वह भी नहीं तो जानते ये भी नहीं। अक्सर मुल्तान, रहीम यार खान, सादिकाबाद के सिंगर्स गाने बनाते हैं, तो जो ओरिजिनल गाना गाता है जो सिंगर है उसके साथ ये ज्यादती नहीं है कि उसके गाने कोई और गा के वायरल कर देता है गाने को? बिल्कुल ये गलत बात है। जिनका गाना होता है उसके साथ बहुत ये ज्यादती है। जो दूसरे फनकार हैं उनको चाहिए कि अपनी मेहनत करें, मेहनत के साथ नया गाना रिकॉर्ड करें, वो गाएं, ताकि किसी का गाना गाकर अपनी शोहरत न कमाएं। इहदा इक्को ही तरीका है, जिहड़ा गाना गावे वह फिर घर बह के बाकियों नूं बददुआवां देंदा रहे। वैसे बाबा आज सुबह छत पे कपड़े सुखाते वक्त आप भी तो इन्हीं का गाना गा रहे थे, तो वो बददुआ आप पे भी बनती है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ मैं खुद गाना लेता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसकी रिहर्सल करके अपना गाना गाता हूँ। आज तक कोई कवर नहीं गाया आपने? मेरे अपने गाने, जो मशहूर गाने सारे मेरे अपने हैं। और तालियां भी चाहिए भाई। और फिजा जिन्ने सरायकी गाने हिट हुए ने ना और सारे पहले मैं गाए सी। अच्छा, तेनू सरायकी आंदी है? नहीं। और सरायकी नहीं आंदी ते सरायकी गाने किवें गाए? अंदाजे नाल। ये हर सिग्नल चौक पे बैठ के ना ये मंगण वास्ते जो गाना गाता उसको सरायकी कह देता है। बगदादी साहब है साडा बाबा, बड़ा मशहूर सिंगर है। वाह वाह वाह। ऐदा गाना हर स्टॉप ते तानू सुनन नू मिलेगा, हर जूस वाले ने लाया होंदा है, 6 रुपए गिलास 6 रुपए गिलास। और बाबा फंक्शना च नहीं गांदा, कब्रस्तान गांदा है, फिर उन्हां नू कहंदा ओए उठो दात ते दवो। ऐ साडे बाबे ने जेड़े भी फंक्शन च गाया है ना अल्लाह दे हुक्म नाल सर पड़वा के आया अपना। लोकी ते टिकटां लै के सुनदे ना, बाबा पल्लेयों दे के गाना सुणांदा लोकां नू। और कंसर्ट ते जेड़ा बंदा इहदा गाना सुणदा इहदे कोल 2-2.5 हज़ार लै के जांदा। हाँ जी, हर कॉन्सर्ट मैनूं 1-2 लाख च पैंदा। बाबे नूं ते इक डॉक्टर ने लिख के दिता है कि तू सिर्फ टीवी ते गाना है। ओ क्यों? क्योंकि लोकी चैनल ते चेंज कर लेंगे ना। ये देखते हैं कॉमेडी स्किट। सारे अंग अंग विच नशियां ने पींगा पाइया ने, बस दुनिया तो चोरी चोरी वारियां लाइया ने, वारियां लाइया ने। आ ई ओ यार अख्तर मेंगल साहब देखो घूम छड़ गए ने, हुण पी टी आई दी हुकूमत किवें बची? ओए अख्तर मेंगल साहब ते छड़न नाल हुकूमतां नहीं टुटदियां, हुकूमतां टुटदियां ने अपने ही बोझ नाल। इसे करके मेरा हर हुकूमत नूं इक्को ही पैगाम है। केड़ा? कि जदों तुहानूं लगे तुहाडी हुकूमत टुट सकदी है तुसी इक्को ही काम करो। ओ की? आ ई ओ। चलो भाई ने सही हो, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। तुम्हें क्या इसने नशा छाड़ दे, मौजूद बंदे ने भी जलील कराना तू। इधर बैठ के क्या कर रहे हो तुम लोग? असी फौरन फेर निकल कर रहे हैं। और तुसी फौरन दवाई खाओ वरना मैं ताड़े नाल बड़ा बुरा सलूक करांगी। इस वक्त हम साउथ चाइना सी में पहुंचे हुए। साउथ चाइना सी च तुसी पहुंच जांदे हो, 6-6 महीने हो गए अपने घर ते नहीं पहुंचे। कोई ना, अपने हालात ते रहम खाओ, दवाई खाओ तो नशा छड़ दवो। एवे बदनाम यारो बॉर्डर नशा सजना की होंदा, एवे बदनाम यारो बॉर्डर नशा सजना की होंदा।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਂਤੀਓ ਐ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੜਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ मैं ना अब तुम लोगों की शिकायत पुलिस को कर रही हूँ, ठीक है? और तुम लोगों को जेल के अंदर बंद करवाऊंगी, फिर तुम्हें इस अस्पताल की ना कदर आएगी। जेल बंद कराना दे करा दो, असी कड़े नून लीग दे वर्कर ना जेड़े जेल जान तो डर दे। असी पीटीआई दा वर्कर ना जेड़े जेल ना तोड़ के निकलने बल्कि असीं ते पीपल पार्टी दे वर्कर आ जिन्हां लई जेलां बनियां ने साडा इक्को ही सूल है 3 साल करप्शन करो 2 साल जेलां कट्टो सब बराबर तैनू मैं जेले नहीं बंद करांगी चूहे वाली खिड़की च बंद करांगी बल्कि उस पिंजरे च बंद करांगी जिहड़ा ला के मच्छर फड़ीदा मैं कही कोई टाइगर फोर्स लई नहीं बनाया पिंजरा तुम लोगों ने मेडिसिन खानी है या मैं बुलाऊं पुलिस को पुलिस वाले बुला के तुला हम भी देखेंगे बुला के तुला ला ला आ ई इलाके कदी फसल नहीं हुई तो तुसी ई आ ऊ करन दे ओ खाना खराब हो मार मार होली मारी सॉरी सर सॉरी पता नहीं कितों लै ला के आने ने पाउडर साडा विघन डिया तुही ले हो असी की करिए 7 बजे थाने बंद कर देंगे बकवास कर रहे हैं बकवास राती 11-11 बजे तू आना मैं ताले खोल के मैं तेनू दी है तेरा खाना खराब हो जाए अपनी हालत वेख तो नशे करना फड़ तेना सारा उठाने लाया चलो भाई अगे लगो चलो खुश आमदीद आप देख रहे हैं तालों से करे बातें महिंदर पाल साहब सुना है जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने का सोच रहे हैं लंदन में फिर आप लोग का क्या होगा नहीं वैसे ही जहांगीर तरीन साहब नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बेशक वो गए हुए हैं लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नवाज शरीफ से जाके मिलें उनकी सियासत जो है वो डिफरेंट है वो ऐसी सियासत नहीं करते तो अनु इत्थे बैठे ही लगना अगले पावा उत्थे सुबह वड्डे पावे मंगा के दोनों बैठे हो खांदे हो नवाज शरीफ खाण पीण वाला बंदा है जहांगीर तरीन नहीं खाण पीण वाला चंगा खाण पीण वाला नहीं बंदा ओ ताडी रिपोर्ट दे मुताबिक चीनी दे अद्धे पैसे ओ खा गया ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਹੂਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਹੂਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿੱਡੇ ਫਸੇ ਪਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਿਨ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ 5 ਸਾਲ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸਸੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ मुस्कान अगर आप किसी के साथ लिफ्ट में बंद हो जाएं गलती से और वो हो एक सियासतदान तो आप किसके साथ लिफ्ट में बंद होना चाहेंगी आप चाहेंगी कि वो लिफ्ट ख़राब हो जाए आपके पास ऑप्शंस हैं कायम अली शाह परवेज़ खटक
मुशाहिदुल्ला प्रवेश खटक कि देखो जी कहते हैं कि पी टी आई की खिलाफत लिफ्ट के प्रवेश खटक साहब ने नहीं बंद होना तो लगता है कि ये असल च उतो उतो नूली की है ये पी टी आई दी है और प्रवेश खटक साहब नाल इस करके बंद होना चाहती है लिफ्ट च वो बीमार जहाँ बंद ने उन्होंने कितने दो घंटे कटने लिफ्ट बंद हुई तो उन्होंने तिना मिनटा च सह बंद हो जानी मुस्कान इनमें से किस सियासतदान के साथ आप कैंडल लाइट डिनर पर जाना चाहेंगी शेख रशीद शहबाज शरीफ फयाजुल हसन चौहान साहब शहबाज शरीफ उनके साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे वो लॉन्ग बूट पहन के जाएंगे और आपने हाई हील पहनी होगी शहबाज शरीफ के साथ कैंडल लाइट डिनर में मत जाना मुस्कान क्यों पीटीआई तुम्हारे कैंडल लाइट डिनर को स्कैंडल लाइट डिनर बना देगा अगर कोई सियासतदान सराई के सिंगर बनना चाहे तो कौन सा सियासतदान जो है वो बन सकता है ऑप्शंस आप खुद बताएंगे मुझे तो ये लगते सिंगर बन सकते हैं क्योंकि मैंने भी बाबे बाबू पुछवाओगे पहले जिन्ना दलेर मेहंदी हूँ लगा मोहिंदर पाल मेहंदी और ये असेंबली च करते फिरनगे तुण 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 मेरे ख्याल च इक्को ही सियासतदान सरायकी का सिंगर बन सकता केड़ा कौन जहांगीर तरीन साहब उसे लंदन च नवाज शरीफ नाल बह के गाउणगे तुसा कुमान वतना का असी यार परदेसी वो ऐ नहीं होए गाणगे कि तुसा कुमान सबसिडी दा साडी होंदी पई है इंक्वायरी या फिर जंगीत सिंह साहब ए गाना गाउणगे कौन सा ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਯਾਰੋ ਇਤਦਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਡੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਕਤਦਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਜਣ ਰਿਹਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਮੇਂ ਯੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਨੀਹਾ ਮੁਝੇ ਖਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਨਸਾਇਆ ਮਾਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਕੱਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲੈ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾਈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾਈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ साहब लंदन में इमरान खान साहब के लिए ये वाला गाना भी गाते होंगे कौन सा सा मेनू कड्डे आई मुल्क जो बार वे इकदार च रहनाए आप वे मेनू नींद ने आंधी रात तेनु रात नु नींद नहीं आंधी नहीं ते मामा रात नु पखा चला के सोया कर ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਏ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਡੇਰ ਲਾਏ ਨੇ ਬੂਏ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਏ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਡੇਰ ਲਾਏ ਨੇ ਬੂਏ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਏ ਜ਼ਾਲਿਮ ਓਏ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਝੂਮਰ ਫੋਰਸ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਜੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਹਕੂਮਤ ਮੁਫਤ ਝੂਮਰ ਪਾਏਗੀ ਝੂਮਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੂਮਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੂਮਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਸੇ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਂਗਾ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਂਗੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਘਣਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੋਇਆ। तो गुलनियाजी साहब, ये तो बताइए जो आटे की शॉर्टेज हुई है उसकी कमी कैसे पूरी करेंगे आप? इसके लिए मैं एक आटा फोर्स बनाऊंगा। तो आटा फोर्स वैसे करेगी की? ओयो, अपने इलाके चो थोड़ा थोड़ा कच्चा आटा इकट्ठा करेगी, फिर ओ आटा गुना के फिर उन्हें रोटियां पकवाएगी, फिर रोटियां उन्हें घर तकसीम करेगी। ये चंगी तुसी फोर्स बनाउन डए हो भी, असि चार रोटियां दा उन्हें आटा दे पका के दो रोटियां आप खा जाण ते दो अगले दे देण। जहांगीर तरीन साहब ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है गा के मैं आप तक पहुंचा दूं, सुनाओ। केड़ी गलती थी ए ज़ालिम, क्यों इंक्वायरी कमीशन बैठाए ने, हसे गैरा दे गड़ाए ने। केड़ी गलती थी ए ज़ालिम, तेरे नाल प्यार पाके हुकूमत तेरी बनाए, खटिया ना कुछ गवा के तेरे जादा ते मिलाए ने। केड़ी गलती थी ये जालिम, क्यों तेरी कमीशन बैठाए ने, हस गैरा दे गड़ाए ने। केड़ी गलती थी ये जालिम, हुकूमत दे बाज रोंदा रहना, मिट्टियां ते सौंदा रहना, हस गैरा दे गड़ाए ने। केड़ी गलती हुई सिंगर बन शहीद खुसरे का मुंडा ना बन। मेरा जो इंसाफ है वो दोस्तियां और दुश्मनियां नहीं देखता, सबके साथ एक जैसा होता है, इसीलिए मेरी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है। जरा तुम हाल कर लेना, तुम्हारी जमात रहनी है, बंदा कोई नहीं होना। और मैं बंदे चाहिए भी नहीं, मैं बड़िया चबल इकट्ठिया कर लेना। पुर्तगाल ने आजी साहब सुना है आप सिंध हुकूमत का भी तया पांचा करना चाहते हैं? और मैं सिंध हुकूमत का भी वही हाल करूंगा जो मैंने पंजाब हुकूमत का किया, और जो ही मैं सिंध फतह करूंगा तो वहां मैं उस्मान बुज़दार सानी को लगा दूंगा। ओथे की करेगा जो ये एथे करन दे। और देखो मैं सिंध फतह करने के बाद मैं सारी करप्शन के बुत पाश पाश कर दूंगा, वहां मैं BRT बनाऊंगा जो कराची से पिशावर तक चलेगी। जेडी पिशावर दे विच बनन दी ओते बनी नहीं, हुन पिशावर तो कराची बनाऊं। और बाबा तू मेरे काम ना देख, मेरे मंसूबे देख। असी जनाब ताडे मंसूबे भी देख ले, परफॉर्मेंस भी देख ली, स्मार्टनेस भी देख ली, कोई शय किसे काम दी। और बाबा और तू मेरा पहला असूल नहीं देखिया, और मैं कहता हूं कि करप्शन ना करो, दोस्तों को जितना मर्जी खर्चा करा लो। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें निर्मल सुनाइए। लाहौरी कोई अलहदा मखलूक है, हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद का बयान। हेलो, लॉकडाउन आप नहीं किया ते मुद्दा पांडे लाहौरियां ते। SOP ते अमल दरामत आप नहीं करा सकते ते मुद्दा लाहौरियां ते। वैसे मिनिस्टर साहिबा की थोड़ी सी बात ठीक भी है। किस तरह जी? लोरिया नूं जिथे कहो ना कि एहतियात करो उथे अनचक हो जांदे ने, ते जिथे कहो अनचक होणा है उथे एहतियात कर लैंदे ने। लोरिए किसे चीज तो नहीं डरदे। मैं कल इक लोरिए नूं कहा, मैं कहो ए कोरोना आ गया एहतियात कर। कहंदा कोरोना साडा की कर लेगा, साडा ते बट कुछ नहीं बिगाड़ सके।
वैसे आपस की गल लारी है इस तरह की आ दुनिया कितने भी जंग लगे ना लोग या घर च वड़ जाते हैं या खंदक च वड़ जाते हैं तो भैन की जंग च लौरी छत चढ़ के जहाजों की लड़ाई वेखते रहे। आगे चलिए। अमेरिका में एक स्टूडेंट के लिए बंद स्कूल दोबारा खोलने का फैसला। चाचा भी सारी जिंदगी एक स्कूल कल्ला ही पढ़िया। और क्यों? जिस दिन चाचा स्कूल च दाखिल होया ना सारे स्टूडेंट्स ने अपने नाम स्कूल चो कटवा लिया। क्यों? उन्होंने कहा ये चाचा इतने पढ़ेगा तो असि बाहर ही ठीक। चाचा फिर उस स्कूल च बड़ा ही जलील होया। आप इस ब्लैक बोर्ड ते काम लिख के अपने आप नु देंदा सी। आप ही कहंदा सी कल नु याद करके आई। अच्छा अपने आप नु आप ही कहंदा सी ओए काम याद कीता है ते आप ही कहंदा सी नहीं कीता ते आप ही अपने आप नु कहंदा सी चल फिर कन फड़ ते आप ही फड़ भी लेंदा सी। चाचा स्कूल बड़ा ही जलील होया। आपे घंटी मार के कहंदा सी ओए स्कूल लग गया जे। आपे कहंदा सी लो जी हुन असेंबली वास्ते आ जाओ। आपे क्लास च बह के कहंदा सवेर दा टीचर नहीं आया होर किथे मर गए। आपे टीचर वाली जगह ते खलो के कहंदा सी कोई स्टूडेंट नहीं आया अरे केड़ी मौत पै गई है ना। आगे बढ़िए। इटली के कोरोना फ्री इलाके में घर की कीमत 186 यूरो। आप भी खरीद सकते हैं। ओए दे कुछ भी नहीं। एक पिंड च चाचा चाची रहिंदे सी। ओथों ते मेरे ने कहा मैं 1 लाख पाउंड देंगा जे कोई बंदा इत्थे आके रवे। तो लोगों ने कहा तू 20 लाख भी दवे असी उस पिंड च ही रहना जिथे ये रहन दे। उस पिंड दे मेयर ने लोगों के पैरों नू हाथ ला के कहा कि अल्लाह दा ना इस इलाके च आ के रवो ते उन्होंने कहा रहन दे सानू अपने बच्चों की जिंदगी बड़ी अजीज है। बच्चों की जिंदगी दा उस पिंड च रहन नाल की तलक? ओहो छोटे बच्चे चाची नू वेख के पागल हो जांदे ने। कई बच्चियां नू तो दौरे पैण लग पैंदे सन। चाची की तो इतनी दहशत थी कि उस पिंड में रहना तो दूर की बात कोई उस इलाके के पास से भी नहीं गुजरता था। और क्या खबर है? घाना में मुआवजा लेकर जनाजे में रोने वालों की मकबूलियत में इजाफा। एक कारोबार ही साड़ी चाची ने शुरू किया सी जनाजे के पैसे लेकर रोन वाला। चाची नूं ते 1000 रुपया दो ना ते जनाजे ते एहो जी रौनक लांदी सी कि पता नहीं सी लगता भी व्याह होण डिया कि जनाजा होण डिया। चाची साड़ी ने ते ए कम बड़े तरीके नाल कीता है। कल्ली नहीं सी जांदी जनाजियां च रोन, नाल 11-12 औरतां लैके जांदी सी। कादे वास्ते? कोर्स वास्ते। अगे अगे चाची कहंदी सी हाय वे तू मर गया वे। पीछे 10-12 औरतां कहंदियां सन हाय वे हाय वे।